उत्तराखंड विधानसभा का अगला सत्र गैरसैंण विधानसभा में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण विधानसभा में अगले बजट को पेश करने की बात कही है। इससे पहले मार्च 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में बजट सत्र गैरसैंण में आहत किया गया था। आपको बता दें कि ऐसे में नवनिर्वाचित सरकार के गठन के बाद चर्चाएं थी कि पहला बजट गैरसैंण में पेश किया जा सकता है, लेकिन ये विधानसभा सत्र देहरादून में ही किया गया। राज्य में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले और भर्ती में देरी को छोड़कर सरकारी विभागों में 3 साल से अधिक समय से खाली पड़े पद समाप्त होंगे। राज्य सरकार ने पंचम राज्य वित्त आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और ये खुलासा आयोग की सिफारिशों पर विधानसभा के पटल पर बुधवार को रखी गई कार्यवाही रिपोर्ट से हुआ। पदों को समाप्त करने की आयोग की सिफारिश पर कार्मिक विभाग ने कार्रवाई करने के लिए कहा है और रिपोर्ट के अनुसार खर्च पर नियंत्रण के लिए सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की सिफारिश भी मानी गई है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का पहला 2 दिवसीय सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र में 21,116 करोड़ 81 लाख का उत्तराखंड विनियोग विधेयक के साथ 2 अन्य विधेयक भी पारित किए गए। वहीं इन 2 दिनों में सदन की कार्यवाही 7 घंटे 23 मिनट तक चली और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सदन की कार्यवाही में शांति और सहयोग के लिए विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों को धन्यवाद किया। निधन जो निदेश थे उससे शुरू किया तो आपको सब पता ही होगा। आदरणीय हमारे हरबंस कपूर जी और ओझा जी का आज कंडोलेंसेस हुए थे। उसके बाद जो नियम होते हैं 58 की सूचनाओं को सुना गया। उसके तुरंत बाद फिर जो 310 से कन्वर्ट हुई थी 58 में उसको वो सदन में उसके बारे में बातचीत हुई। उसके तुरंत बाद माननीय राज्यपाल जी का हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं उनका जो अभिभाषण हुआ था उस पर वोटर थैंक्स हुआ और फाइनली जो लेखानुदान था उसको कल पटल पे आप जानते हैं रखा गया था, आज वो पारित हुआ। देखिए ऐसा है कि जितनी सौहार्दपूर्ण में चीज़ें हों, जितनी आराम से चीज़ें हों, उतनी ही बात जनता तक पहुंचती है। बहुत ज़्यादा चिल्लाने चीखने से ना तो जनता कुछ सुन सकती है और एक हमें अपनी जो जनता है उसको शायद ये भी दिखाना है कि जब हम संसद में चुनकर आते हैं, जो विधानसभाओं में चुनकर आते हैं, तो एक तरह का व्यवहार होना चाहिए और बहुत आवश्यक है कि हम उस व्यवहार को जनता तक पहुंचाएं और दिखाएं। विधानसभा हमारे लोकतंत्र का मंदिर है और जिस तरह से हम मंदिर में जाते हैं उसी तरह से इस मंदिर का भी हमें आदर करना चाहिए और शांतिपूर्वक कार्य करना चाहिए। इसके बावजूद कहना चाहूँगी कि उनका वो लोकतांत्रिक अधिकार भी है, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा और सॉफ्टली होता तो और ज़्यादा आनंद आता, लेकिन फिर भी चलिए उनका भी आभार है, सभी का मैं आभार हूँ। देहरादून के धर्मपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए जनता ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। लगातार दूसरी बार सीएम बनने के बाद ये नागरिक अभिनंदन का पहला मौका रहा जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की जनता से किए गए वादों को शीघ्र धरातल पर उतारेगी, राज्य के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास हमारी प्रतिबद्धता रहेगी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में विकास की दृष्टि से प्रदेश के आने वाले 5 स्वर्णिम वर्ष भी होंगे और 1 घंटे का सफर होगा दिल्ली से देहरादून का और आधे से पौन घंटा आपको जो आपका हवाई जहाज से आप उतरते हैं नीचे सामान लेने तक जो बेल्ट में सामान आता है पौन घंटा भी 1 घंटा पूरा लग जाता है और उसके बाद आपको 1 घंटा जो है उसमें लग जाएगा
जहां दिल्ली में आपने कहीं जाना होगा, तो कितने घंटे हो गए? कितने हो गए विनोद? चार की पांच, और रोड से कितने लगेंगे? दो घंटे में। तो वो मुझे कह रहे थे कि पुष्कर भाई तुमने उस दिन बहुत अच्छी बात कही और मैं आज जो है तुम्हारी बात का समर्थन कर रहा हूं कि आने वाले समय में ये खराब बात नहीं होगी। बोले ऐसे ही कोई नागपुर और पता नहीं कहां पुणे का बता रहे थे कि वहां का भी रास्ता इतना अच्छा हो गया है कि वहां पर हवाई जहाज, एक तरह से हवाई सेवाएं लगभग बंद सी हो गई है, क्योंकि लोगों को सुविधा जिसमें होगी उसमें जाएंगे। उत्तराखंड में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद अब मंत्री पूरी तरह से अपने अपने कामकाज में जुट गए हैं। विधानसभा में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने अपने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की और उनसे विभागों के कामकाज के बारे में जानकारी ली। चंदन रामदास ने अपनी कई प्राथमिकताओं को गिनाते हुए कहा कि विभागीय कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में उनकी प्राथमिकता रहेगी। मैंने देखा एससीपी टीएसपी का पैसा भी खड़ंजे में लग रहा है। जब हम सारा पैसा वहाँ लगाएं और खड़ंजा ही से विकास होना नहीं है, मेरा ये मानना है कि एससीपी और टीएसपी के पैसे को ऐसी हम योजना बनाएं कि हमारे लोगों को सीधे उसका लाभ हो सके। अभी मैंने उसकी समीक्षा की है, अभी हम और बैठ के उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमने 100 दिन का एक रोड मैप हम बना रहे हैं ताकि हम 100 दिन में क्या विशिष्ट योजना चला सकते हैं। मैंने कहा है कि पहले अटल योजना हमारी आवास योजना चलती थी, उसमें 38,000 का प्राविधान था। 38,000 में आजकल शौचालय नहीं बन रहा है, तो मैंने प्रस्ताव किया है कि अटल आवास योजना को पुनः शुरू किया जाए। उसके लिए लगभग 1,20,000 की धनराशि कम से कम हो, इसके लिए कैबिनेट में अगर उसमें अनुमोदन लेने की आवश्यकता होगी उसको हम करेंगे। उत्तराखंड में आज से बिजली महंगी हो गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गोरेला ने नई बिजली दरों को लेकर घोषणा की। प्रदेश में 2.68% दाम इसमें बढ़ा दिए गए हैं। आपको बता दें कि UPCL ने 10.18% दाम बढ़ाने की मांग की थी और BPL उपभोक्ता और स्नो बाउंड उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में 4 पैसा बढ़ाया गया है। राहत की बात तो यह है कि 100 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ता के टैरिफ में फिक्स्ड चार्ज नहीं बढ़ाया गया है। पिछले 2 साल से चारधाम यात्रा पर रोक लगी हुई है और इस साल 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसकी तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक की। वहीं यात्रा की शुरुआत को लेकर व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। तीन मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। बैठक में सीएम के साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, प्रदेश के मुख्य सचिव SS संधु, चारधाम यात्रा से जुड़े हुए विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा के माध्यम से देश विदेश में अतिथि देवो भव का संदेश जाना चाहिए। इस बार यात्रा के लिए बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और चारधाम यात्रा की तैयारियां उसी के अनुरूप सुनिश्चित की जाए। बीते 2 साल से कोरोना संक्रमण के कारण चारधाम यात्रा पर प्रतिबंध लगे हुए थे, ऐसे में सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जल्द सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। बता दें, चारधाम यात्रा के शुरू होने से व्यापारियों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। यात्रा शुरू होने से पहले ही होटल्स में भी बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2 महीने पहले ही 40-80% होटल 10 से 30 जून तक बुक हो चुके हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत के ऐलान से व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में व्यापारियों का धंधा काफी मंदा रहा और अब व्यापारियों को उम्मीद है कि चारधाम की यात्रा से उनकी रुकी हुई गाड़ी वापस पटरी पर लौट आएगी। व्यापारियों ने यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां कर ली। चारधाम की यात्रा को लेकर शासन प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं।
कोरोना काल के बाद यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस लिहाज से व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। अब इंतजार है 3 मई का, जब यात्रा की शुरुआत होगी और यात्री भक्ति भाव के साथ बिना किसी परेशानी के चार धाम की यात्रा कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने सदन से लेकर सड़क तक प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा सत्र के दौरान सदन के अंदर कांग्रेस के विधायकों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को जमकर घेरा। अब सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता महंगाई को लेकर मुखर हो रहे हैं। राजधानी देहरादून में कांग्रेस अध्यक्ष लाल और पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बढ़ते पेट्रोल डीजल और गैस के दामों से आम जनता बेहाल है। सबके रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोग त्रस्त हैं और ईवीएम मशीन के माध्यम से ये चुनाव जीते जा रहे हैं और ये लोगों पे प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। ईवीएम मशीन है, हमें लगता है कि शायद कोई सी पार्टी नहीं जीत पाएगी। ईवीएम का काला लगातार चल रहा है, पहला रिपोर्ट हुआ, टेलीविजन रिपोर्ट हुआ, हर रिपोर्ट है और हर व्यक्ति कह रहा है कि हमने कांग्रेस को वोट दिया है और हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में जीतती रही है। इसका क्या कारण है? यही कारण है कि ईवीएम जब तक रहेगा। हम खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।